हेलो एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर वन से जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चलो समझते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है जब हम लोग गेम्स खेलते हैं तो उसमें क्या होते हैं लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री और लेवल टू लेवल वन से मुश्किल होगा लेवल थ्री लेवल टू से भी मुश्किल होगा लेवल फोर लेवल थ्री से भी मुश्किल होगा है ना तो उसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी लेवल्स होते हैं अब ये लेवल्स जो हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं ये लेवल्स जो हैं वो मैनेजरियल पोजीशंस के हैं आप एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को डिवाइड कर देते हैं उनकी ड्यूटीज के अकॉर्डिंग तो जितनी मुश्किल जिसकी ड्यूटी होगी वो उतने ही टॉप लेवल में होगा राइट तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में तीन लेवल्स होते हैं लोअर लेवल मिडिल लेवल और टॉप लेवल तो लेवल बेसिकली है क्या चीज़ लेवल एक इमेजिनरी लाइन है जो सेपरेट कर देती है मैनेजर्स को एक दूसरे से मैनेजर पोजीशंस को सेपरेट कर देती है एक ऑर्गेनाइजेशन में अब हम बात करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट की जिसमें सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनको हम चेयरमैन प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट सी ई दस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सी ओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एम डी मैनेजिंग डायरेक्टर ये सब होते हैं सो so, इनका बेसिक जो टास्क है वो है अपनी कंपनीज के लिए स्ट्रैटेजीज फॉर्म करना गोल सेट करना और प्लान करना टॉप लेवल मैनेजर्स का जॉब बहुत स्ट्रेसफुल होता है और कम्पलेक्स होता है क्योंकि इन्होंने बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करके स्ट्राटजीज फॉर्मुलेट करनी है और फिर उनको ही इंप्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में साथ ही साथ उन्होंने ये देखना है कि सारे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे के साथ ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन के आ, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्वाइवल है जो वेलफेयर है उसके लिए टॉप लेवल मैनेजर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इवन एक बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसकी उसके लिए टॉप लेवल मैनेजर्स ही रिस्पांसिबल होते हैं अब एग्जाम्पल लेते हैं सुंदर पिचाई की दीई ऑफ एल्फोबेट जिसकी सब्सिडरी है गूगल जब हम सुंदर पिचाई के बारे में सोचेंगे तो हम ये तो सोच नहीं सकते ना कि ही वेंट टू द ऑफिस वर्क ओनली नाइन टी फाइव not नॉट वर्क एनी हार्ड एंड he's इज CEO of Alphabet. नो वी नो ही worked रियली हार्ड फॉर दिस position. और इसी तरह सारे मैनेजर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन्हें कमिटमेंट देनी होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने आज देने होते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करे नेक्स्ट है हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स जो टॉप लेवल मैनेजर्स के बाद आते हैं और लोअर लेवल मैनेजर्स के ऊपर होते हैं इनको यूजली डिविजनल हेड्स ऑपरेशनल मैनेजर्स या प्लान सुपरिटेंडेंट्स बोलते हैं इनका मेन टास्क यही है कि उन्होंने जो टॉप लेवल मैनेजर्स ने प्लान्स बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है और जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो लोअर लेवल मैनेजर्स जिनको हम लाइन मैनेजर्स बोलते हैं उन तक पहुँचाना है अब यहाँ पे मैंने फाइव पॉइंट्स लिखे हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स के टास्क रिलेटेड तो एक एक करके सब डिस्कस करते हैं पहला है कि उन्होंने इंटरप्रेट करना है जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जो टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट करते हैं और साथ ही साथ उनको इंप्लीमेंट करना है ये इंश्योर करना है कि हमारे डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सोनल है नेसेसरी स्टाफ है जो ये टास्क परफॉर्म करेंगे अब उन सबको उनकी ड्यूटीज़ असाइन करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करनी है ताकि वो अपना काम करें उनको मोटिवेट करना है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें साथ ही साथ जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कॉपरेशन बना के रखनी है ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन

मिडिल लेवल मैनेजर्स के ऑर्डर्स लेने हैं और वर्कर्स तक पहुंचाने हैं जो सुपरवाइजर्स होते हैं कंपनी के उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंपनी में क्योंकि उनका काम क्या है इंस्ट्रक्शंस लेना हैं मिडल मैनेजमेंट से और वर्कर्स से पास करना है और वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं इंटरेक्ट करते हैं वर्कर्स के साथ सो so, सुपरवाइजर्स के एफर्ट्स जो हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्योंकि काम तो वर्कर्स नहीं करना है और वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन कौन देगा लोअर लेवल मैनेजर्स और रिसोर्सिस कम से कम वेस्ट हो ये भी सुपरवाइजर्स ध्यान में रखते हैं कंपनी में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखते हैं तो बेसिकली मैनेजर्स कोई भी लेवल के हो वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में हाँ ये अलग बात है कि टॉप लेवल मैनेजर्स एक कंपनी का ब्रेन है लेकिन जो लो लेवल मैनेजर्स है वो कंपनी के क्या है लिम्स हैं सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे आई होप आपको समझ आया हो और अगर नहीं भी समझ आया तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए मुझसे डाउट्स पूछिए डीएम करिए सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड कीप फॉलोइंग